हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, ये ईडीएम और फ्रेज की पूरी सीरीज कराई जाएगी। मेरा एम है कि आपको कम से कम 150 यानी 150 प्लस ईडीएम फ्रेज हम यहाँ पे करवा दें, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स और एक्स वाई के हर शिफ्ट में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट टू बेल द कैट। अब देखिए क्या होता है टू बेल द कैट, मतलब देखिए कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, और बेल मतलब क्या होता है, घंटी, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आपने अक्सर ये स्टोरी बचपन में सुना होगा। होता क्या था कि सब चूहे मिलके मीटिंग करते थे कि यार यदि बिल्ली आएगी तो हम लोग उसके गले में यदि घंटी बांध देंगे तो जब भी वो आएगी तो घंटी बजेगी तो हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही मीटिंग के दौरान यदि कोई बिल्ली आ जाती थी तो सब चूहे भाग जाते थे। तो वहाँ ये होता था कि यार ठीक है, प्लान तो सही है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा, मतलब होता है कि पहली बार रिस्क कौन लेगा। इसका हिंदी मीनिंग लिखिए, पेन और कॉपी उठाइए, इसका हिंदी मीनिंग लिखिए। टू बेल द कैट मतलब पहला जो रिस्क है वो कौन उठाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए मतलब होता है कि टू लीड इन डेंजर, यानी कि जो खतरा है उसमें लीड रोल कौन करेगा, पहला खतरा कौन मोड़ लेगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया है। और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो हमारे चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। देखिए इस समय आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये ईडीएम फ्रेज का सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद आपको साइनोनिम एंटोनिम यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया जाएगा, और ये इस समय जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया टू फिश इन ट्रबल वाटर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि फिश मतलब क्या होता है, मछली, और ट्रबल वाटर यानी कि मजबूरी का फायदा उठाना। एक मछली है जो कि ट्रबल वाटर में फंसी हुई है और आप उसे आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मछली के लिए क्या होगा, उसके लिए मजबूरी का फायदा उठाना होगा, ठीक है। इसका मतलब लिखिए कि मजबूरी का फायदा उठाना। टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है उसके लिए आप पर्सनल प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि खुद का लाभ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजबूरी का फायदा उठाना, ठीक है। सेल्फिश टाइप के लोग जो होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट की बात होती है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखिए दिया है टू बी इन फिक्स। टू बी इन फिक्स का मतलब होता है ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि टू बी इन परप्लेक्सिटी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली बार। इसमें दिया है कि टू गेट इन टू हॉट वाटर। अब देखिए क्या होता है कि हॉट वाटर मतलब क्या होता है, गर्म पानी। अब गर्म पानी में आप चले जाएंगे तो क्या होगा, परेशानी में फंस जाएंगे। माई डियर फ्रेंड्स, गर्म पानी में जाने का मतलब परेशानी में फंस जाना, लिख लीजिए इसका मीनिंग, परेशानी में फंस जाना। यानी कि यहाँ पे ए सही हो जाएगा, टू गेट इन टू ट्रबल, यानी परेशानी में, मुश्किल में फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू थ्रू डस्ट इन टू वंस आई। देखिए काफी इजी है इसका अर्थ, ऐसे ही समझ जाते हैं कि किसी की आंख में क्या करना है, डस्ट फेंक दिया, यानी कि धूल फेंक दिया, किसी की आंखों में धूल झोंकना, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, उसको धोखा दे रहे हैं, यानी कि सी टू डिसीव। एक बार एक चीज आपको बता दें माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ डिसीव की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, डी ई सी ई आई वी ई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग करेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन करिए तुरंत, डिसीव की स्पेलिंग आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है टू बीट द एयर। ये देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वहां पर वो दिया हुआ है, ठीक है, टू बीट द एयर। अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट है वाई ग्रुप का, उसमें ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आप बताइए यहाँ पे, जी बिल्कुल सही, ए होगा, मतलब कि टू मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब बीट द एयर। अब देखिए याद कैसे करेंगे, एयर मतलब क्या होता है, हवा, और बीट मतलब पीटना। यदि आप हवा में कुछ पीट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुश्किल मतलब फालतू का काम कर रहे हैं ना, समय बर्बाद करते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी होता है, टू वेस्ट द टाइम, यानी कि समय बर्बाद करना, और यहाँ पे, या फिर आप क्या कर रहे हैं, टू मेक यूजलेस, यानी कि बेकार का एफर्ट लगा रहे हैं, बेकार का काम करना, ठीक है, फालतू काम करना, टू बीट द एयर। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। इस बार कैसे भी करके आपको इस एग्जाम को निकालना है, यही मेरा उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।